डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंटेक एकेडमी। तनवीर सर हाजिर हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी आप लोगों का चैप्टर जो चल रहा है एक्सपोनेंट्स एंड पावर का, ये थोड़ा एडवांस लेवल है, लेवल 9। इसमें मैंने टोटल 5 सम्स को टेकअप किया है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि थोड़ा सा आप लोगों को देखने में ये क्वेश्चन टफ लग रहा होगा, लेकिन इसको मैं इस तरह से सिंपलीफाई करूंगा कि आप लोगों को बिल्कुल इजी लगने लगेगा। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट नाउ। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्या है, 3 raised to the power n इंटू 9n+1 डिवाइडेड बाय 3 raised to the power n-1 इंटू 9n-1। ठीक है बच्चों, तो दिस इक्वल्स टू 39 इंटू, इसको क्या कीजिएगा 9 को 3 पे स्क्वायर n+1 एंड डिवाइडेड बाय 3l-1 इंटू 3 raised to the power 9 3 square n-1। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, 3n into 3 2n 2n+2 ब्रैकेट छोड़ दीजिए, उसके बाद 3n-1 into 3 2n-2। ठीक है बच्चों, अब क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3n into 3 यहाँ पर 2n 2n+2, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 3 2n into 3 पे स्क्वायर। हाँ, इसको ये मल्टी बेस सेम है और दोनों मल्टीप्लिकेशन में, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, वाइड हो जाता पावर। अब सिमिलरली यहाँ नीचे करेंगे हम लोग 3n-1 into 3 2n into 3 raised to the power -2। ठीक है, अब चलिए इसको नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ऊपर में पावर सब ऐड होगा, 3 raised to the power n+2n+2 डिवाइडेड बाय 3n-1+2n-2। चलिए कितना हो जाएगा, 3 raised to the power 2n+n 3n 3n+2 एंड दिस डिवाइडेड बाय 3 2n+n 3n 3n और --+2 और 1 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 3 3n+2 और ये ऊपर जाएगा, बेस सेम है, क्या हो जाएगा ऊपर जाने के बाद, ये हो जाएगा -3n, ब्रैकेट में रखते हैं अभी, 3n-3 3n-3। चलिए दिस इक्वल्स टू 3 3n+2 -3n और --+3। अब कितना हो जाएगा, 3n-3n+ कट गया, 2+3 3 पे पावर कितना आ गया 5 एंड दिस इक्वल्स टू 243 आपका आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने है। क्या करना होगा, इसे इज इक्वल्स टू 5 इंटू, यहाँ 25 को लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर n+1। ठीक है, -25 5 square into 5 पे पावर 2n डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 into 5 2n+3 और -5 का स्क्वायर 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर एंड यहाँ पे कितना हो गया n+1। ठीक है, अब इसको बिल्कुल आप तोड़िए, 5 into 5 पे और कितना हो जाएगा 2n 2n+2। ठीक है, माइनस यहाँ पे 5 square into 5 पे पावर 2n एंड दिस डिवाइडेड बाई 5
फाइव इंटू फाइव पे पावर टू एन इंटू फाइव पे पावर थ्री, ठीक है। यहाँ पर भी एक स्टेप अगर हम बढ़ा दें तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं टू एन प्लस वन, टू एन प्लस टू फाइव पे पावर टू, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस फाइव टू एन प्लस टू, इसका मतलब फाइव पे पावर टू, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें कुछ कॉमन होगा, उतना कॉमन हम लोग इसमें से निकाल लेते हैं। यहाँ पे फाइव टू एन है एंड दिस इक्वल्स टू क्या कॉमन है, फाइव स्क्वायर फाइव टू एन, फाइव स्क्वायर इंटू फाइव पे टू एन, ये हमारा कॉमन है। यहाँ क्या बच जाएगा फाइव और इधर माइनस वन, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे भी हम क्या ले लेंगे कॉमन फाइव स्क्वायर इंटू फाइव पे टू एन, यहाँ भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे फाइव स्क्वायर यहाँ बच गया एक फाइव और फाइव 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 स्क्वायर हो गया, निकल गया यहाँ बच गया फाइव स्क्वायर और इधर माइनस वन, ठीक है। ये कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या यहाँ पे फाइव माइनस वन एंड डिवाइडेड बाई फाइव स्क्वायर माइनस वन, दिस इक्वल्स टू फोर। और यहाँ पे फाइव स्क्वायर ट्वेंटी फाइव माइनस वन, ट्वेंटी फाइव माइनस वन कितना हो जाएगा, ये फोर बाई ट्वेंटी फोर। अब ये काटिए फोर सिक्स आ ट्वेंटी फोर, वन बाई सिक्स आपका ये आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है आपके सामने है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, फाइव फाइव एन इंटू फाइव थ्री लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए माइनस सिक्स इंटू फाइव एन इंटू फाइव पे वन लिख सकते हैं इसको। चलिए उसी तरह से नाइन इंटू फाइव टू द पावर एन माइनस टू स्क्वायर इंटू फाइव पे एन, दिस इक्वल्स टू। अब यहाँ पे क्या करना है देखिए, क्या क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है, कॉमन है कि नहीं है चेक कीजिए। फाइव एन फाइव फाइव एन इधर है, फाइव एन इधर भी है, फाइव एन इधर है, फाइव एन इधर भी है, कॉमन ले लेते हैं फाइव रेस्ट टू द पावर एन फाइव पे थ्री माइनस सिक्स इंटू फाइव, सिक्स इंटू फाइव। चलिए एंड एंड दिस यहाँ पे कितना हो जाएगा फाइव रेस्ट टू द पावर एन नाइन माइनस टू के पावर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। मजा आ रहा है ना, चलिए ये कटेगा। अब क्या बचेगा यहाँ पे फाइव रेस्ट टू द पावर थ्री, मतलब क्या हुआ फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव, ठीक है माइनस सिक्स इंटू फाइव। अब यहाँ क्या बच रहा है नाइन माइनस टू स्क्वायर फोर। चलिए अब यहाँ पे क्या हो गया हंड्रेड ट्वेंटी फाइव माइनस थर्टी डिवाइडेड बाई फाइव, ठीक है वेरी इजी हो गया। अब हंड्रेड ट्वेंटी फाइव में से थर्टी कटेगा कितना बचेगा नाइन्टी फाइव, नाइन्टी फाइव बाई फाइव वहां से कटेगा कितना बार कटेगा नाइन्टीन बार, फाइव नाइन्टीन जा नाइन्टी फाइव, तो ये आपका 19 जो है ये आंसर है, ठीक है बच्चों। बड़ा आसान लग रहा होगा देखने में, तो बड़ा कठिन बड़ा डिफिकल्ट बहुत मुश्किल सवाल, लेकिन कितना इजीली ये सॉल्व हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है ये आपके सामने है, कैसे सॉल्व करेंगे दिमाग लगाइए आप लोग, माइंड अप्लाई कीजिए, क्या करना होगा। वेरी गुड, सिक्स है यहाँ एट है, इसको क्या करेंगे टू टू द पावर थ्री एन प्लस वन प्लस सिक्सटीन टू थ्री एन माइनस टू एंड दिस डिवाइडेड बाई टेन, टेन टू थ्री एन प्लस वन माइनस सेवन टू क्यू एन, ठीक है।
एंड दिस इक्वल्स टू, अब क्या करना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा, सबको तोड़िए, 6 इंटू 2 टू द पावर 3n इंटू 3 वन सा 3 2 पे पावर 3 3 माइनस 16 इंटू 2 टू द पावर 3n माइनस 2 टू द पावर माइनस 2 ठीक है एंड दिस इक्वल डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2 रेज टू द पावर 3n इंटू 2 पे पावर 1 ठीक है बच्चों माइनस 7 इंटू 2 पे पावर 3n ठीक है अब क्या होगा अब क्या करेंगे देखिए कॉमन होगा कुछ 2 पे पावर 3n 2 पे पावर 3n 2 पे पावर 3n 2 पे पावर 3n कॉमन ले लेते हैं 2 रेज टू द पावर 3n कॉमन ले लिए क्या बचा इधर 6 इंटू 2 पे पावर 3 यहाँ क्या बचाएगा माइनस 16 ये माइनस इंटू होगा यहाँ पे ये इंटू होगा 16 इंटू 2 टू द पावर माइनस 2 एंड दिस डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 3n 10 इंटू 2 वन 2 माइनस 7 चलिए 3n 2 रेज टू द पावर 3n अब ये दोनों कट गया अब यहाँ पे क्या बच रहा 6 इंटू 8 6 इंटू 2 पे पावर 3 मतलब 8 माइनस 16 और यहाँ पे 2 पे पावर माइनस 2 यानी डिवाइडेड बाय 4 अब यहाँ क्या बचेगा 10 इंटू 2 20 माइनस 7 चलिए क्या हो गया यहाँ पे 4 से 16 कट जाएगा 4 4 सा 16 बचा क्या बच्चों 8 6 सा 48 माइनस 48 माइनस है कि प्लस है देखिए प्लस है यहाँ पे प्लस है ये प्लस है तो 48 प्लस 4 एंड डिवाइड बाय 20 माइनस 7 13 सॉरी प्लस है ना यहाँ पे प्लस ये प्लस है 48 प्लस 4 कितना हो जाएगा 52 अपॉन 13 13 फोर सा 52 ये आपका 4 आंसर हो गया ठीक है बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है लेवल नंबर 9 का तो इस ये क्वेश्चन क्या है 2n 2 रेज टू द पावर n माइनस 7 इंटू 5 रेज टू द पावर n माइनस 4 इज इक्वल टू 1250 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n चलिए आपको दिया हुआ है सॉल्यूशन में गिवन क्या दिया हुआ है दिया हुआ क्या है 2 रेज टू द पावर n माइनस 7 इंटू 5 रेज टू द पावर n माइनस 4 इज इक्वल टू 1250 इसको फैक्टराइज कीजिए 1250 का फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा 2 से काटिए 6 25 5 से कटेगा 125 फिर 5 से काटिए 25 फिर 5 से कटेगा 5 यानी ये आइडिया 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 4 ठीक है ये कितना आ गया 2 पे 1 2 रेज टू द पावर n माइनस 7 इंटू 5 रेज टू द पावर n माइनस 4 इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ द सेम बेस ऑफ बोथ साइड्स वी गेट ठीक है यहां पे टू है तो इसको पावर को इसके पावर्स को इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों एन माइनस सेवन इज इक्वल टू वन और दूसरा
दूसरा पावर क्या है, 5 पे n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, n माइनस 4 4, इस तरह से देख लीजिए, है ना, n माइनस 4 इक्वल्स टू 4, सॉल्व कीजिए, और n इज इक्वल्स टू 1 प्लस 7, देयरफॉर n की वैल्यू कितना आ गई, 8, n की वैल्यू जो निकल कर सामने आए वो 8 है, और n इज इक्वल टू 4 प्लस 4, देयरफॉर n इज इक्वल टू 8, देखिए दोनों की वैल्यू सेम है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बच्चों मैंने आप लोगों के सामने ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर का लेवल 9 था, जो लास्ट था इस चैप्टर का, मैंने आप लोगों के सामने इसको देखा कि कैसे मैंने बड़ा इजी वे में इसको सॉल्व किया। आई थिंक कि आप लोगों का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।